तो दोस्तों अब जल्द ही रेलवे वंदे भारत ट्रेन बेस्ड फास्टर फ्रेट ट्रेन को भी दौड़ाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग किस रेल कोच फैक्ट्री में की जा रही है, साथ ही में इस ट्रेन से रिलेटेड 5 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। भारतीय रेलवे अब जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक ट्रेन को शुरू करने जा रही है, जिसका एम अपने पूरे नेटवर्क में माल ढुलाई को तेज करना होगा। और ये रेलवे की सुपर फास्ट पार्सल सर्विस होगी और ये एक नए टाइप की सेमी हाई स्पीड ट्रेन आने वाले समय में तो भारतीय रेलवे के लिए तो गेम चेंजर साबित होगी। अब हम नजर डालेंगे 5 फैक्ट्स अबाउट सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन पर। नंबर 1, इस ट्रेन को गति शक्ति भी कहा जाता है। वंदे भारत बेस्ड मालगाड़ी दिसंबर तक चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार होने की उम्मीद भी है। 16 कारों की ये ट्रेन होगी, जिसमें 264 टन तक की पेलोड कैपेसिटी होगी। नंबर 2, 16 कारों वाली इस ट्रेन की हाई स्पीड होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की। नंबर 3, प्लेटाइजेंट कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किए जाएंगे। नई वंदे भारत ट्रेन बेस्ड फ्रेट EMU 1800 mm चौड़े ऑटोमेटिक स्लाइडिंग प्लग डोर होंगे। नंबर 4 फैक्ट की बात करें तो इस ट्रेन में प्लेटों को आसानी से संभालने के लिए लॉकिंग सिस्टम के साथ न्यूमेटिकली रिट्रैक्टेबल रोलर फ्लोर सिस्टम होंगे। लास्ट 5 फैक्ट की बात करें तो पैसेंजर्स वंदे भारत ट्रेनों की तरह इस न्यू फ्रेट ट्रेन EMU 50% इलेक्ट्रिसिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड पावरिंग कंसेप्ट को यूज करेगा। और अब यहाँ पर नेशनल रेल प्लान का प्रेडिक्शन है कि यदि रेलवे धीरे धीरे फ्रेट ट्रेनों की स्पीड बढ़ाता है तो माल ढुआई में इसका हिस्सा 44% तक बढ़ सकता है और ये रोड से रेल की ओर +16% का चेंज हो जाएगा। तो रेलवे के इस इनोवेशन के बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। टिल देन गुड बाय।